अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। आज का ये वाला फुल गेम प्ले आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि फॉलन स्टार फुल गेम प्ले लेकर आओ, तो मैंने कहा चलो यार फुल गेम प्ले अपलोड करके देखते हैं और देखते हैं ऑडियंस का कैसा रिस्पांस आता है इस गेम प्ले के ऊपर। एंड बाय द वे, मेरा जो कॉन्टेंट है वो क्लचेस के ऊपर होता है, ज्यादातर 1v4 1v3 होते हैं। देखो यार, फुल गेम प्ले निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। 30-30 किल के ऊपर भी मैंने गेम प्ले निकाले हुए हैं, मेरी पुरानी वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हो। R2 के ऊपर मैं खेलता था तब, एंड यार तब ऐसी सपोर्ट नहीं थी मुझे, तो यार मुझे क्लचेस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिए ग्रो होने में, तो मैं क्लचेस को नहीं छोड़ सकता। खैर यार, बातें बहुत है करने को। आपके भाई ने यहाँ पर लूट कंप्लीट कर लिए, बगी लेकर ना मैं रश करने के लिए निकल जाता हूँ। एंड पहला क्लच जो हमारा होने वाला है उस प्लेन वाले बंदे के ऊपर होने वाला है। यहाँ पर आपका भाई बगी लेकर आता है। अब आपका भाई यहाँ पर आ जाता है एंड बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज मुझे यहाँ पर लोकेशन कंफर्म नहीं थी। तीन बंदों का तो मुझे पता चल चुका था, तीन बंदे सीढ़ियों पर हैं। खैर सामने बंदे की साउंड आ रही थी, मैंने कहा चलो नेट करते हैं। सो गाइस, उसके बाद आपका भाई यहाँ पर काफी ज्यादा वेट करता है एंड ये बंदे आपस में मर जाते हैं। एक टीम बचती है वही प्लेन वाली, मैंने कहा चलो पुश करने की ट्राई करते हैं। भाई साहब कवर में शॉटगन, अब यहाँ पर आपके भाई ने इनके दो बंदे डाउन कर दिए थे एंड मेरे पास हीलिंग का टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी से हील लगा लेते हैं। एंड ऊपर से एक बंदा कूद के इनको रिवाइव दे रहा होता, तो मैंने कहा चलो रश कर देते हैं। ये यल्ला हबीबी गो टू लोबी माय फ्रेंड। सो गाइस, ये आपके भाई का पहला 1v3 था। अभी यहाँ पर और फाइट बाकी है, इनकी लूट उठा लेता हूँ मैं। लूट उठाने के बाद एक बंदा लेफ्ट वाली बिल्डिंग पर भी था, तो मैंने कहा चलो उसके ऊपर जाते हैं। और देखो इस जगह पर रश करना ना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है बिकॉज ऊपर वाले बंदे के पास काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है, तो मैंने कहा थोड़ा इसको डराते वराते हैं एंड ये जब थोड़ा डर जाएगा ना तो फिर इसके ऊपर रश करेंगे। आइए गाइस, तो इस सर्वी को कतई गलत हेडशॉट पड़ जाता है। उसके बाद मैं इस बंदे की लूट उठाता हूँ, साथ ही दो बंदे मेरे ऊपर पुश कर देते हैं एंड ये बंदे होते हैं पाकिस्तानी और आपके भाई के फैन निकलते हैं। अब ये दोनों बंदे काफी ज्यादा अच्छा खेल रहे थे, एक दूसरे को कवर दे रहे थे। एक बंदा राइट साइड पर था एंड एक बिल्कुल सामने, तो मैंने कहा यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। अब मैं इनको थोड़ा सा तंग करता हूँ कि ये बंदे मेरे ऊपर पुश करें। भाई साहब कैसे यार, ये डैमेज कैसे पड़ा मुझे, मुझे बंदा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हुआ। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, हील कर लेते हैं एंड हील करने के बाद देखी जाएगी। तो चलो यार करते हैं रश के कमर। आइए गाइस, तो आपके भाई ने इन दोनों बंदों को यहाँ पर नॉक कर दिया एंड मेरा स्पीकर आल पर नहीं था, मैं यहाँ पर आल पे स्पीकर करता हूँ बट मुझे इनकी आवाज सुनाई नहीं देती, तो मैं अपना माइक जो है ना आल पर करता हूँ, फिर इनकी आवाज आती है। ओके, तो गाइस आपका भाई इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करता है कि भाई बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने एंड आप रिवाइव ले लो, बट ये कहते हैं हमारे टीममेट्स नहीं है पास। ओके, तो गाइस ये दोनों बंदे खुद ही फिनिश हो जाते हैं एंड यार मैं किसी भी बंदे को फिनिश नहीं करता। आप यहाँ पर देख लो मेरे दो किल चोरी भी होने वाले हैं। अब आपका भाई यहाँ पर ड्रॉप लेने आता है और साथ ही ना बगी पर दो बंदे आ जाते हैं। अब मैं चाहता तो इन बंदों को कैंप करके मार सकता था ड्रॉप के पीछे बैठ के, बट मैंने कहा नहीं यार फेस टू फेस फाइट लेंगे। अब यहाँ पर मेरे 8 किल थे, इन दोनों बंदों को मैं छोड़ देता हूँ, फिनिश नहीं करता एंड ये बंदे अपनी लूट यहाँ पर गिरा देते हैं, तो मैं अपनी बगी निकाल कर जाता हूँ, इनको छोड़ देता हूँ अपनी तरफ से। बट यहाँ पर दूर से ना एक बंदा इन दोनों को फिनिश कर जाता है, सीन देखना है यहाँ पर। तो यार मैंने कहा कोई बात नहीं, किल्स चले गए तो क्या हुआ, चलो रिवेंज लेते हैं इस बंदे ने जिसने हमारे किल चुराए हैं। तो आपको भाई यहाँ पर बगी लेकर जाता है।
आइए गाइस, तो ये दोनों बंदे डायरेक्ट फिनिश हो जाते हैं एंड चैट से बंदा कुछ हाल पे बोलता है। ओके तो यार मुझे नहीं था पता ये कौन सी लैंग्वेज है, शायद से अरबी लग रही थी। बाय द वे आपका भाई इनके यहाँ पर लूट उठाता है, पहले तो एक स्मोक कर देता है कहीं दूर से ना पड़ जाए। लूट उठाने के बाद आपका भाई सीधा गाड़ी उठाकर इन घरों के ऊपर आता है एंड सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, तो मुझे पता था यहाँ पर बंदे भी होंगे। अब यहाँ पर मुझे एक बंदे की लोकेशन का आइडिया हो चुका था, मैं इसके ऊपर नेट कराने वाला था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार नेट वेस्ट ना हो जाए। अब ये बंदे हरकत नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा यार थोड़ा सा स्मोक करते हैं साइड पर, इन बंदों को लगे कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। आइए गाइस, तो इन बंदों के साथ आपके भाई ने थोड़ी सी ट्रिक खेल दी। बेचारों को लग रहा था कि मैं भागने वाला हूँ स्मोक करके, बट यार ये जाल मैंने इन्हीं के लिए बिछाया था। खैर उसके बाद ये बंदे यहाँ पर कपड़े शपड़े लूट शूट सब कुछ फेंक देते हैं, आपका भाई इनको लूट लेता है। और हाँ गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, नहीं हो तो यार एक बार सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो। अब यहाँ पर सर्कल छोटा हो चुका था तो मैंने कहा जून में जाने से पहले ना लेफ्ट साइड को क्लियर कर लेते हैं, ऐसा ना हो मैं जून में जाऊँ एंड मुझे पीछे से पड़ जाए। ओके तो यार इन बंदों ने मुझे अपनी लोकेशन दे दी है एंड ये बंदे अभी आपके भाई के ऊपर रश करने की सोचते हैं, तो मैंने कहा भाई आ जाओ आपका भाई यहीं पर है। आइए गाइस, तो आपके भाई ने इन बंदों को यहाँ पर पेल दिया और अभी यार बंदे जो है ना ड्यू में ही बचे हुए हैं। आप लोग देख रहे होगे बोलोगे दो दो बंदे मार रहा है, तो भाई मुझे मिली दो दो रहे हैं। और यार इसीलिए मैं पूरा गेम प्ले नहीं खेलता, बिकॉज मुझे क्लच चाहिए होता है, जब क्लच मिल जाता है तो मैं लीव कर देता हूँ गेम को, बट मुझे पूरा गेम प्ले बनाना था। ओके तो अभी एक बंदा मुझे काफी ज्यादा दूर स्पॉट हो जाता है, वो बंदा जून से बाहर था एंड मैं जून में था। मैंने कहा वेट करते हैं, इस बंदे को जून में आने देते हैं। भाई साहब ये फर्स्ट वाला प्लेयर ना काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा था, काफी डैमेज दे गया। उसके बाद आपका भाई यहाँ पर हील कर लेता है एंड यहाँ पर मुझे एक बंदा सामने स्पॉट हो जाता है, हेरिंग आती है। अब ये बंदा यहाँ पर घास में स्नेक बन चुका था, मेरे पास नेट नहीं था, मैं वापस आता हूँ लूट गेट में नेट उठाने के लिए। नेट उठाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यार इसको नेट से फोड़ा जाए, अगर मैंने रश किया तो हो सकता है यार ये डस दे। ओके तो गाइस अभी मुझे लग रहा था शायद बाकी के बंदे भी जो है ना यहाँ पर सांप वाम बने होंगे, तो मैं थोड़ा सा एहतियात से खेल रहा था, नेट पे नेट करी जा रहा था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं होता, बंदे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं तो जून भी आ जाता है, तो मैंने कहा चलो बगी लेकर जून में निकलते हैं। भाई साहब अब इसके काम चेक करो यार, क्या ही सांप बना हुआ था। ओके तो अब ये बंदा भी सांप बन चुका है। अरे भाई मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, भाई भाई क्या डैमेज दिया यार इस बंदे ने। अब ये बंदा मुझे यहाँ पर सपोर्ट नहीं हो रहा था, ऊपर से इसने स्मोक कर दिया। मैंने कहा स्मोक के अंदर मोली करते हैं, अगर ये मोली से नहीं जाता ना तो यार बगी लेकर ना इसके ऊपर रश कर देंगे।
भाई साहब ये बंदा तो यहाँ पर कतई पिरो बंदा था। खैर आपके भाई का यहाँ पर 19 किल के साथ चिकन डिनर हो जाता है एंड यहाँ पर अभी आपके भाई का रैंक भी देख लेना आप लोग। एंड गाइस ज्यादातर मैं मैच को पूरा नहीं खेलता इसी वजह से, बिकॉज लास्ट में ना काफी ज्यादा हल्के बंदे बचते हैं तो मजा नहीं आता। बाकी आपके भाई का रैंक यहाँ पर क्रोन 2 से 1 हो जाता है। बाकी आपका भाई रश गेम प्ले खेलता है क्लचेस के लिए, तो रैंक यार एस से लेकर ना क्रोन 2 तक ही रहता है, ना ज्यादा ऊपर जाता है ना नीचे। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।